टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कत्ल के इल्जाम में सुधीर और सुखविंदर को गोवा पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लेकिन सवाल अब भी कई हैं, जिनके जवाब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। जैसे सोनाली को क्यों मारा, क्या ये हत्या सुनियोजित थी, और इन सभी सवालों से हटकर एक बड़ा सवाल भी है, क्या सोनाली फोगाट को बचाया जा सकता था। इस बात का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि गोवा पुलिस की तरफ से अब तक सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर क्या खुलासे किए गए हैं। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी दिया देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। गोवा पुलिस ने अपनी एक प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र किया कि सुधीर सांगवाज और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात को कबूल लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोसेज दी गई तो उसे क्यों समय रहते अस्पताल नहीं ले जाया गया, और नशे की हालत में उसे 2 घंटे तक बाथरूम में आखिर रखने की वजह क्या थी। इन सब बातों पर अगर गौर फरमाया जाए तो मतलब साफ है, सोनाली के कत्ल की कहानी सुनियोजित तरीके से लिख दी गई थी। वारदात वाली रात एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली गई जो इस ओर इशारा कर रही है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली को बचाना नहीं चाहते थे। सोनाली फोगाट का आखिरी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो कैसे नशे की हालत में जा रही है। सीसीटीवी से पता चलता है कि सोनाली फोगाट की हालत बेहद खराब है। सोनाली के साथ उनका पीए सुधीर सांगवान भी है। सीसीटीवी से पता चल रहा है कि आरोपी सुधीर ही सोनाली को कंधे का सहारा देकर ले जा रहा है। सोनाली लड़खड़ा रही है और देखकर लगता है कि वो चलने की हालत में भी नहीं है। इस सीसीटीवी में दूसरा आरोपी सुखविंदर भी देखा गया है। वीडियो को अगर गौर से देखें तो इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सोनाली को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया गया, या फिर सुधीर सांगवान और सुखविंदर की तरफ से उसे बचाने की कोशिश की गई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।